बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि एक स्क्वायर शेप में क्या ही रुमाल है, वर्गाकार रुमाल है बेटा, उसमें 9 सर्कल या वृत्त बने हुए हैं और हर एक सर्कल की रेडियस या त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है बेटा, वो मैंने लिख लिया। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है इन सर्कलों का एरिया हटा दो तो रुमाल में कितना एरिया बचा, तो बेटा मैंने उसे नीले कलर से शेड कर दिया, हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए बेटा हमें साइड तो पता होना चाहिए किसकी, स्क्वायर की। अब आप ध्यान देना बेटा, ये अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये टोटल कितनी हो गई, ये टोटल हो गई बेटा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी 14 तो ये भी 14 और ये भी 14, बात समझ में आई आपको, मतलब ये आपकी 14 है बेटा, ये भी आपकी कितनी होगी 14 और बेटा ये भी 14 होगी, सबको जोड़ो 42 सेंटीमीटर, मतलब ये प्लस ये प्लस ये कितना हुआ 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस स्क्वायर की साइड कितनी है बेटा 42 सेंटीमीटर। हमने भुजा निकाल ली बेटा वर्ग की, अब क्या करेंगे, हमें एरिया पूछा है ये शेड किया हुआ, हम पूरे स्क्वायर का एरिया में से इन 9 सर्कल के एरिया को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो शेड किया हुआ एरिया, जो बचा हुआ एरिया रुमाल में है वो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, हिंदी में लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल पूरा, उसमें से घटाएंगे हम क्या, 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 9 सर्कल का एरिया हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, 9 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने हिंदी में भी लिख दिया। ठीक, अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग माइनस 9, इसका क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। आपने साइड निकाली, भुजा निकाली कितनी 42, तो उसका स्क्वायर माइनस 9, पाई कितना है 22/7, रेडियस कितनी है बेटा 7, लेकिन स्क्वायर है तो दो बार लिख लो, 7 से 7 गया, अब 42 का स्क्वायर करोगे 1764 माइनस, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 1386, आप दोनों को घटाओगे 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बचे हुए रुमाल का एरिया है। आपको इस क्वेश्चन में ये जो क्वाड्रेंट है, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा जिसे चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं बेटा, उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, इसका मतलब ओबी आपको कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर बेटा, और कहा उन्होंने कि ओडी 2 सेंटीमीटर है बेटा। ये क्वेश्चन दो हिस्सों में पूछा है, सबसे पहले उन्होंने इस क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, इस पूरे चतुर्थांश का एरिया पूछा है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें किसका चाहिए, ओ ए सी बी का एरिया, ओ ए सी बी ये क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है। ठीक है, तो सर्कल की जो एरिया है उसमें 1/4 कर दो, तो बेटा इसका एरिया आ गया। अब बेटा सिर्फ वैल्यू डालना है, पाई की जगह लिखा 22/7, रेडियस कितनी है 3.5, लेकिन स्क्वायर लगा है, दो बार लिख दो। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा, ठीक है। इसे हम 7 के टेबल से काट देते हैं, 5 आया, इसे 5 के टेबल से काटा 2 आया, बेटा इसे 2 के टेबल से काटा 11 आया, इसे बेटा 5 के टेबल से काट देते, ठीक है। तो क्या आया, 11 × 7 मतलब 77 अपॉन 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वाड्रेंट या चतुर्थांश का एरिया है। अब बच्चों हमें अगले भाग में कहा है ये शेडेड एरिया आपको बताना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। बात ध्यान से सुनना बेटा, आपने इस पूरे का एरिया ये निकाला, उसमें से मैं इस ट्रायंगल का एरिया घटाऊंगी तो मुझे शेडेड एरिया मिलेगा, ठीक है। तो पूरा एरिया आप निकाल चुके हो, कितना है 77/8, उसमें से घटाऊंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, डी ओ बी, ये 77/8 माइनस क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ना, ये 77/8 ये माइनस 1/2 बेस कितना है बेटा, बेस है आपका 3.5 और हाइट कितनी है, हाइट देखो कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लग गया, 5 के टेबल से काट दो ये कितना आया 2 और ये 7, कितना हुआ बेटा ये 77/8 माइनस ये बचा 7/2, ठीक है। यहाँ कर देते हैं, एलसीएम निकालोगे 8 आएगा, ठीक है। क्या करें, 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1 आया, इस 1 का मल्टीप्लाई 77 में करोगे 77 आया, प्लस 2 से 8 को डिवाइड करोगे 4 आया और 4 का 7 में मल्टीप्लाई 28, अब इन्हें क्या करोगे घटा दोगे, कितना आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस शेडेड एरिया या छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि ओ पी बी क्यू एक चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है बेटा, ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, वर्ग है, जिसकी भुजा या साइड बेटा 20 सेंटीमीटर दी है। हमें क्या निकालना है, हमें बेटा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, शेड एरिया का आपको आंसर निकालना है। तो क्या करोगे, तो बेटा आप ध्यान दीजिए, हमें रेडियस पता होना चाहिए इस क्वाड्रेंट की। तो कैसे पता करें, रेडियस पता करना है, इसका मतलब बेटा आपको ओबी पता करना है। वो कैसे पता करोगे, ये है क्या बेटा, इस स्क्वायर का डायगोनल है, डायगोनल है तो क्या करेंगे, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला लगा देते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हिंदी में कहते हैं वर्ग का विकर्ण, बेटा उसका फॉर्मूला होता है √2 × साइड, ये होता है बेटा। तो साइड कितनी है स्क्वायर की 20, तो लिख देते हैं और ये √2, ठीक है सेंटीमीटर। मतलब हमें डायगोनल क्या पता चला, ओबी पता चला, ठीक है। और ओबी ही क्या है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस है, मतलब आर भी पता चल गया, ठीक है इस फॉर्मूले की मदद से। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया चाहिए, शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, पूछा गया क्षेत्रफल कैसे निकालोगे,
क्वाड्रेंट के एरिया में से मतलब पूरे में से इस स्क्वायर के एरिया को घटाएंगे तो बेटा रेड कलर का शेड एरिया आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से घटाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, हिंदी में लिख लेते हैं क्या होगा बेटा, अभीष्ट क्षेत्रफल है बेटा, पूछा गया क्षेत्रफल। इसका मतलब इसकी जगह चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और बेटा इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल या एरिया क्या होता है, 1/4πr² और स्क्वायर का क्या होता है बेटा, साइड का स्क्वायर, सिर्फ वैल्यू डालना है, 1/4π की जगह बेटा 3.14। रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है आपकी, ये आपने निकाली ध्यान देना, कितनी 20√2, और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो दो बार लिख लो 20√2 माइनस साइड, भुजा, साइड कितनी है बेटा, ये नहीं कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान देना, ये 4 के टेबल से कैंसल, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो बेटा नीचे 100 आएगा, ठीक है, और ये 5 के टेबल से कैंसल, और ध्यान दीजिए 20 से 20 कैंसल, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 314 मल्टीप्लाई ये √2 × √2 में √2 का मल्टीप्लाई 2 और माइनस बेटा ये क्या हो गया 20 का स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई करो 628 है ना, और माइनस 400 घटाओगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका शेड किया हुआ एरिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में OC = 7 सेंटीमीटर दिया है, मैंने OC को बेटा R1 माना है 7 सेंटीमीटर और बेटा BO आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, मैंने उसे R2 माना है। आपको क्वेश्चन में AOB एंगल 30 डिग्री दिया है, मैंने उसे थीटा मान लिया। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि ये शेड किया हुआ एरिया बताइए, तो हमें छायांकित भाग का बेटा क्षेत्रफल चाहिए, हम क्या करेंगे, हम AOB सेक्टर का एरिया निकालेंगे, मतलब पूरे का एरिया निकालेंगे, उसमें से COD सेक्टर मतलब ये छोटा सा हिस्सा, ठीक है, इस सेक्टर का एरिया क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये शेड किया हुआ एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे करके बताती हूँ, देखिए बड़ा एरिया कौन सा है सेक्टर का, AOB, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा बेटा, AOB, उसमें से घटाएंगे ये छोटा सा सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर COD को, तो फॉर्मूला लगेगा θ/360 πr² क्यों, क्योंकि बेटा बड़ा वाला ले रहे हैं, ठीक है, बड़े वाले का एरिया ले रहे हैं, OB को किससे बताया मैंने R2 से, तो यहाँ R2 आएगा माइनस छोटा वाला θ/360 πr² छोटे वाले का एरिया ले रहे हैं बेटा, OC को मैंने R1 से बताया था इसलिए R1 लिया, इसमें सीधे वैल्यू आप मत डालिए, सबसे पहले कॉमन निकालो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है,
तो बेटा ये कॉमन है क्या? थीटा अपॉन 360 कॉमन है, पाई भी बेटा दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा? आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। अब मैं यहाँ कर देती हूँ, थीटा की जगह बेटा कितना रखना है? 30 डिग्री, और अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। पाई की वैल्यू है बेटा 22/7, ठीक है। आर टू का स्क्वायर करना है, मतलब 21 का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर बेटा 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैंसिल हो रहा है, सिंपल तरीके से कर दे, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 के टेबल से कैंसिल, ठीक है। ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल, क्या बचा बेटा? 11, नीचे 6 और 7, 11 नीचे बचा 6 और 7, 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 7 का स्क्वायर बेटा 49, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे? घटाएंगे, 11/6 × 7, इनको घटाओगे 392 आया, ठीक है। सबसे पहले 7 के टेबल से इसको मैं काट देती हूँ, कितना आएगा? 56, ठीक है। अब बेटा ये 2 के टेबल से काट देती हूँ, इधर आया 28 और इधर आया 3, क्या बचा? 11/28 बचा, 11/28 308, और अपॉन में कितना? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपसे पूछा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेड किया हुआ एरिया है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में ए बी एम सी बेटा ये क्वाड्रेंट दे रखा है, जिसकी रेडियस बेटा 14 सेंटीमीटर दी है, मैंने लिख लिया, ठीक है। और ये एंगल कितने का होगा? यदि ये क्वाड्रेंट है तो एंगल ए बेटा 90 डिग्री का होगा, वह मैंने लिख लिया। अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, तो बेटा इस ट्राइंगल ए बी सी में बेस कितना है? 14 सेंटीमीटर। आधार कितना है बेटा? 14 सेंटीमीटर। हाइट या ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कहा है ये शेड किया हुआ एरिया बताइए, तो बेटा ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप होगा, धीरे धीरे होगा। सबसे पहले आप बीसी निकालिए, उसके बाद सोचेंगे कि ये शेड किया हुआ एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। बीसी कैसे निकालें? ये जो छोटा सा ट्राइंगल है बेटा, ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल है बेटा ए बी सी। इस ट्राइंगल में एंगल ए 90 डिग्री का है, मतलब पाइथागोरस लगा सकते हैं बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बेटा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में लिखे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस या कर्ण होती है, ये परपेंडिकुलर या लंब हुआ, और बेटा ये आधार या बेस हुआ, ठीक है। अब वैल्यू डाल देते हैं, हाइपोटेनियस की जगह बेटा बी सी और क्या है? स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह बेटा ए बी या बी ए, वो कितना है? 14, और उसका क्या? स्क्वायर। प्लस बेस, बेस कितना है बेटा? 14, तो 14 का स्क्वायर। अब ध्यान देना है, ये दो बार आ रहे हैं दो बार, तो ट्वाइस लिख लेते हैं, तो ट्वाइस 14 का स्क्वायर, ठीक है।
अब बच्चों एक तरफ से जब स्क्वायर हटाया जाता है तो दूसरी तरफ रूट लगता है, तो बेटा यहाँ रूट लग गया। ठीक है, अब क्या ये बेटा आपका बीसी स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है, 14 बेटा रूट के बाहर आ गया और क्या बचा √2 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब बेटा बीसी का मतलब क्या, बीसी का मतलब बेटा ये, ठीक है, तो ये जो आधा सर्कल है उसकी डायमीटर हुई ना बीसी, हुई व्यास हुआ ना बेटा इस आधा सर्कल का। ठीक है, मतलब बीसी को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2R लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ स्मॉल r ले चुकी हूँ तो यहाँ कैपिटल R ले लेती हूँ, तो 2R = 14 √2 सेंटीमीटर। 2 को डिवाइड में डालिए तो 14 √2/2 कैंसिल करो, कितना आया 7 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस किसकी आई बेटा, ये जो आपका आधा सर्कल है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, इस आधे सर्कल की बेटा रेडियस निकाली है मैंने। ठीक है, इसको मैं लिख लेती हूँ, कैपिटल आर कितना है बेटा, वो है अब निकाला 7 √2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब मैं आपसे कहूंगी कि मैं चाहती हूँ ये वाला एरिया मिल जाए, ये गोले बनाए ये वाला एरिया चाहिए, तो कैसे निकलेगा, तो ये सब मैं हटा देती हूँ, जिनकी अब मुझे जरूरत नहीं है वो सब मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे ये देखिए, मैं बेटा कह रही हूँ कि ये गोले वाला एरिया चाहिए मुझे, मतलब कौन सा, बी एम सी का एरिया, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ बी एम सी कैसे निकलेगा, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटाऊंगी, तो कौन सा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कौन सा, ए बी एम सी, ए बी एम सी उसमें से घटाऊंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ए बी सी। ठीक है, तो अब क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 πr² होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, ये आपका 1/4 बेटा पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस देखो ये रही 14, ये यहाँ लिखी भी है, स्क्वायर लगा है, 2 बार लिख दो, माइनस ये आपका 1/2, बेस कितना है बेटा ट्राइंगल का 14 और हाइट कितनी है 14, 2 के टेबल से कैंसल, ये बेटा 7 के टेबल से कैंसल, ये 2 के टेबल से कैंसल, ये भी 2 के टेबल से कैंसल, क्या बचा 11 × 14 1/5 होता है, माइनस 7 × कितना 14 कितना बनेगा, ये बनेगा 98, दोनों को घटाओगे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया बेटा, ये बी एम सी का एरिया बेटा, इसका एरिया निकाला आपने। ठीक है, अब मैं इसको हटा रही हूँ, हटा दूं जब ज्यादा होगी तो मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझोगे। अब देखो मैं लिख लेती हूँ, मैंने निकाला एरिया ऑफ बी एम सी कितना है बेटा, वो था आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, हमें तो ये रेड कलर से शेड एरिया चाहिए, चाहिए तो क्या करेंगे, हम ये जो आधा सर्कल है, आधा सर्कल रिक्वायर्ड एरिया लिखते, पहले तो पूछा गया एरिया अभीष्ट क्षेत्रफल, शेड किया हुआ एरिया,
ठीक है, हम क्या करेंगे, आधे सर्कल के एरिया में से हमने ये वाला गोले वाला ही निकाला, घटा देंगे, ठीक है। तो आधे सर्कल का एरिया मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आधे सर्कल का एरिया में से बी एन सी का एरिया घटा दो, एरिया ऑफ बी एन सी क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/2 πr², लेकिन r कौन सा लोगे, कैपिटल, बेटा ध्यान दीजिए ये कैपिटल वाला लेना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और बेटा ये आपने निकाला 56, ये 1/2 π की वैल्यू 22/7, कैपिटल r बेटा 7√2 है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो दो बार लिखोगे, ठीक है। अब 7 से 7 कैंसल, ध्यान देना √2 में √2 का मल्टीप्लाई 2 होता है, बेटा इस 2 से कैंसल, क्या बचा 22 × 7 − 56, इन दोनों का मल्टीप्लाई 154 − ये कितना हुआ बेटा 56, घटाओगे 98 cm². ये शेड किया हुआ लाल से बेटा एरिया कितना आया 98 cm². तो आप इस क्वेश्चन में ये जो पिक्चर दे रखा है उसे ध्यान से देखिए, सभी साइड बेटा 8 cm है, साथ में ये एंगल कितने के हैं 90° के हैं, इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक है। और उसकी साइड हमें पता चल गई कितनी है 8 cm। अब आप ध्यान देना, यदि आप इसको नहीं देखते हो तो ये जो शेप बन रहा है, ये वाला शेप बेटा, ये क्या बन रहा है, यदि आप ये इस तरह से देखोगे तो ये क्या है, ये वाला शेप इस तरह से देखते हो तो ये क्वाड्रेंट है। और आप अब इस वाली लाइन को मत देखिए, अब ये देखिए, तो ये वाला शेप भी क्वाड्रेंट है, मतलब दो क्वाड्रेंट है, ठीक है। आपसे ये डिजाइन वाला एरिया पूछा है, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट की रेडियस क्या होगी बेटा, वो भी होगी 8 cm, तो वह भी मैंने लिख लिया। हमें डिजाइन किया हुआ एरिया चाहिए बेटा, ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये दो क्वाड्रेंट है, एक ये है आपका और बेटा एक ये है, ठीक है। अब दोनों में क्या रिपीट हो रहा है बेटा, ये एरिया रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो क्वाड्रेंट का एरिया लेंगे, उसमें से बेटा स्क्वायर का एरिया घटा देंगे, तो हमें ये रिपीट हो रहा है वह एरिया मिल जाएगा। वापस से समझते हैं बेटा, ये देखिए ये क्वाड्रेंट ये वाला, तो उसमें ये एरिया आ रहा है, ठीक है। अब आप ये वाला क्वाड्रेंट देखते हो, ये वाला बेटा, ठीक है, तब भी ये एरिया आ रहा है। रिपीट कौन सा हो रहा है, दोनों ही क्वाड्रेंट में डिजाइन वाला एरिया रिपीट हुआ, तो वो कैसे निकालेंगे, दो क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर का एरिया घटाएंगे तो ये रिपीट हो रहा डिजाइन का एरिया आ जाएगा। मैं करके बताती हूँ आपको, देखिए 2 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं 2, ठीक है, ये दो क्वाड्रेंट का एरिया, उसमें से स्क्वायर का एरिया घटा दो, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमसे पूछा डिजाइन का एरिया आ जाएगा। तो 2 × क्वाड्रेंट का एरिया क्या है बेटा, 1/4 πr² और बेटा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, 2 से ये कैंसल,
पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। और बेटा रेडियस कितनी है, तो रेडियस देखिए कितनी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं तो 8 × 8, ठीक है। और ये 2 के टेबल से कैंसल, माइनस बेटा साइड कितनी है, साइड भी आपको 8 दी है तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। हम क्वेश्चन जल्दी करना चाहते हैं तो बेटा ये देखिए ये 8 का स्क्वायर है, ये भी 8 का स्क्वायर है, दोनों में से आप कॉमन निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 11/7 माइनस, बेटा यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 है, कंफ्यूज नहीं होना, -1 लिखना है, ठीक है। इससे जल्दी होगा, 8 का स्क्वायर 64, एलसीएम निकालोगे 7, ठीक है। सिंपल तरीके से करें तो 11 × 1 करोगे ऐसे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 11 माइनस 7 × 1 करोगे 7, ये कितने हो गए बेटा 4, और अपॉन 7 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।